तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के नागपुर सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार संदीप जोशी ने अपना नाम दर्ज कर लिया है। परंपरागत रूप से भाजपा का गढ़ रहे इस चुनाव में पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से भाजपा के उम्मीदवार यहां से जीत हासिल करते आ रहे हैं। इतिहास को देखते हुए भाजपा इस वर्ष भी जीत के लिए तैयार दिखाई दे रही है, लेकिन इस वर्ष मौजूदा विधायक अनिल सोले के अलावा भाजपा ने नागपुर के महापौर को संदीप जोशी को उम्मीदवारी सौंपी है। संदीप जोशी को उम्मीदवारी मिलने से अनिल सोपे नाराज होते नजर आए। नामांकन भरने से पहले संदीप जोशी ने संविधान चौक में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को हार अर्पण किया और अभिवादन भी किया। इसके पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया और साथ में अनिल सोले से भी मुलाकात की। पार्टी ने इस बार अनिल सोले की बजाय नए चेहरे के रूप में संदीप जोशी को सामने किया है। पार्टी की परंपरा के अनुसार व्यक्तिगत नाराजगी से ज्यादा पार्टी फर्स्ट का कल्चर भाजपा में देखने को मिला। मागील 50 वर्षापासून हा मतदार संघ भारतीय जनता पक्षाकडे आहे। आमचे सर्वांचे नेते माननीय नितीनजी गडकरी असतील, माननीय गंगाधररावजी फडणवीस असतील, माननीय अनिलजी सोले असतील, या सर्वांनी या मतदार संघाचं संपूर्ण जोपासन हे केलेलं आहे। या मतदार संघातील सर्वसामान्य कार्यकर्ता युवा मोर्चापासून तर आज महापौर पदापर्यंत पोहोचलेल्या एका सामान्य कार्यकर्त्यावर पक्षाचे नेते माननीय नितीनजी गडकरी, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे तसेच इतर सर्व माननीय खासदार आमदार यांनी एक मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे। या मतदारसंघातील पदवीधरांच्या प्रश्नासाठी, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी, त्याचप्रमाणे विदर्भावर हे सरकार वारंवार करत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात मी या ठिकाणी संघर्षाची भूमिका देखील घेणार आहे आणि या मतदारसंघाला सर्वसामान्य कार्यकर्ते, त्याचप्रमाणे माननीय नेते मंडळी, पदाधिकारी मंडळी या सर्वांना सोबत घेऊन हा भारतीय जनता पक्षाचा गड हा कायम ठेवणार आहे। नागपुर विभाग के लिए होने जा रहे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव, नागपुर पदवीधर मतदार संघ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और मित्र पार्टियों ने श्री संदीप दिवाकर जोशी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस नागपुर पदवीधर की ये परंपरा है 50 वर्षों से कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुमतों से हमेशा विजयी होते आया है। एक समय तो माननीय गडकरी जी या विरोध यहाँ पे चुनकर आए थे। साधारण रूप से बाकी पार्टियाँ अपना प्रत्याशी जब खड़ा करती है तो उन्हें ये पता होता है कि ये पदवीधर मतदार संघ है और यहाँ हमारा चुनाव जीतना ये कठिन नहीं महाकठिन है। तो मेरा विश्वास है कि इस मतदार संघ से संदीप दिवाकर जोशी ये बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ पे पसंती क्रमांक एक मिलकर यहाँ के मतदाता पदवीधर मतदाता चुन कर देंगे। सरकार विरोधी वातावरण है, पदवीधर मतदार संघ तसा ही भाजपचा हा बालेकिल्ला है आणि संदीप जोशी जी हे अत्यंत कार्यकौशल्य असलेले, प्रशासकीय नॉलेज असलेले, संघटनात्मक काम करणारे, नियोजनबद्ध काम करणारे कार्यकर्ते आहे। पदवीधर मतदार संघातली सर्व मतदार हे प्रचंड बहुमताने माननीय संदीप जोशी यांना निवडून देईल असा मला विश्वास आहे। मी सर्व मतदाराला आवाहन करतो की संदीप जोशी यांना एक क्रमांकाचं मत देऊन विजयी करावं असं